तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यामाहा के तरफ से आने वाली मोस्ट पॉपुलर 300 cc बाइक के बारे में, जिसका नाम है यामाहा R3। तो बहुत लोगों के मन में एक ही सवाल था कि ये वाला बाइक इंडियन मार्केट में वापस कब लॉन्च करेगा। तो फाइनली 2023 में हम लोगों को ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए दिखेगी, क्योंकि रिसेंटली यामाहा के तरफ से एक इवेंट रखा गया था गोवा में, जिसमें R3 को भी शोकेस किया गया था, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी बाइक के जो नए नए फीचर्स हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसका प्राइस कितना होगा, इसमें हम लोगों को पावर कितना देखने को मिलता है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा और इसके लॉन्च डेट के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना वीडियो। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना जो लोग R3 के फ़ैन हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो इस बाइक में आप लोगों 321 cc ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आता है इसका पावर। तो इसमें आप लोगों 42 PS का पावर देखने को मिल जाएगा और 29.6 Nm ऑफ टॉर्क देखने को मिल जाएगा। इसका जो फ्रंट ब्रेक है वो भी आप लोगों को डिस्क देखने को मिलता है, रियर में जो ब्रेक होगा वो भी आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। और इसमें आप लोगों को देखने को मिला डुअल चैनल ABS। और इसका जो फ्यूल कैपेसिटी होगा वो होगा 14 लीटर का। और इसमें आप लोगों को माइलेज देखने को मिलेगा लगभग 35 km/h का। और उसके अलावा भी इस बाइक में आप लोगों को फुल LED सेटअप देखने को मिल जाता है। तो अभी बात कर लेते हैं इसके टायर के बारे में। तो इसके फ्रंट में आप लोगों को 110x70 सेक्शन के R17 टायर देखने को मिल जाता है और रियर में आप लोगों को 140x70 सेक्शन के R17 टायर देखने को मिल जाता है। तो इसका फ्रंट जो डिस्क ब्रेक है वो आप लोगों को मिल जाता है 298 mm का और जो रियर डिस्क ब्रेक होगा वो आप लोगों को देखने को मिला 220 mm का। और इस बाइक का जो वेट होगा वो लगभग होगा 175 kg के आसपास और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस होगा वो होगा 160 mm का। और उसके अलावा भी आप लोगों को इस बाइक में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है, जैसे कि हो गया क्रूज कंट्रोल, राइड बाय वायर थ्रॉटल और क्विक शिफ्टर। और अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के एक शोरूम प्राइस और इसका जो लॉन्च डेट होने वाला है उसके बारे में। तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो होगा आपका लगभग 370,000 के आसपास। और ये किस तारीख में लॉन्च होने वाला है वो तो अभी तक कंपनी वालों ने कंफर्म नहीं किया है। तो जैसे ही वो कंफर्म होता है और मेरे को पता चलेगा तो मैं आप लोगों को इसी चैनल में अपडेट दे दूंगा। तो वो सब वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना। और आप लोगों को R3 कैसा लगता है वो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताना। और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो भी आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।